नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धोलेरा अवेयरनेस में। आज की वीडियो में हम आपको धोलेरा की वर्चुअल विजिट करवाने वाले हैं। आइए हम देखते हैं धोलेरा की वर्चुअल विजिट। सबसे पहले हम जाते हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जाने के लिए अभी यहाँ पर रोड को कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अभी रोड का काफ़ी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार यहाँ पर काम चल रहा है। अब हम आए हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि अभी गुजरात गवर्नमेंट ने ट्वीट कर बताया था कि 2026 से पहले यहाँ पर एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि दो रनवे बनकर कंप्लीट होंगे जो 4-4 किलोमीटर के रहेंगे। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जाना अभी मना है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एरिया लगता है, इसलिए यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं है, हमें परमिशन लेना होता है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कि 1300 करोड़ का टेंडर पास हुआ है फेज फर्स्ट का। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का, जो कि 109 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसमें भी अभी गुजरात गवर्नमेंट ने ट्वीट कर दिखाया था जो कि 2024 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसका 70% काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी 30% काम आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जाते हैं धोलेरा SIR के अंदर, जो कि एक्टिवेशन एरिया में जाते हैं। अभी हम यहाँ देख पा रहे होंगे पेड़ पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। पिछले 2 साल से यहाँ पर हम आपको फुटेज दिखाते आए हैं, जो कि काफ़ी छोटे पेड़ पौधे थे। अभी यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी बड़े पेड़ पौधे हो चुके हैं, काफ़ी डेवलप हो चुका है धोलेरा SIR। एक्टिवेशन एरिया की बात करते हैं, जो कि 22.5 square kilometers में डेवलप हो चुका है, जो कि TP2A एंड TP4A लगती है। हम बात करते हैं वाटर टैंक की, जो कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पर वाटर टैंक है, जो कि इंडस्ट्रीज को वाटर सप्लाई करेगी। अब हम बात करते हैं HP पेट्रोल पंप की, जो कि अभी इसको 1 month हुआ है अपना सेटअप जमाए। अभी HP ने अपना सेटअप यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एरिया के 55 मीटर रोड की। जी हाँ, अभी हम 55 मीटर रोड पर हैं। काफ़ी शानदार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। यहाँ पर हम बात करते हैं 55 मीटर रोड पर प्लांटेशन की, जो कि 6 row प्लांटेशन है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर प्लांटेशन लगाए गए हैं। बात करते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि आने वाले 100 साल तक ये रोड को डिग फ्री स्मार्ट सिटी, जो कि आने वाले 100 साल तक यहाँ पर गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही इसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस लाइन, ICT, स्ट्रॉम वाटर, सीवेज वाटर, सारी चीज़ें यहाँ पर अंडरग्राउंड है। और साथ ही यहाँ का वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है और बनकर रेडी भी हो चुका है साइकिल ट्रैक। बात कर रोड डिज़ाइन की, जो कि यहाँ पर लंदन थीम में रोड डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं। हम बात करते हैं रिन्यू पावर की, जो रिन्यू पावर 100 एकड़ में अपना सेटअप जमा चुकी है। आने वाले कुछ ही समय में ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देगी। धोलेरा की फर्स्ट फैक्ट्री है जिसको पजेशन मिलकर उसने अपना सेटअप चालू कर दिया है। हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रिन्यू पावर ने 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। जी हाँ, यहाँ पर 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिन्यू पावर कर चुकी है। आने वाले समय में ये मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देगी। रिन्यू पावर को 1000 मेगावाट का टेंडर मिला था, जो कि सोलर पावर यहाँ पर लगाना था, लेकिन उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही स्टार्ट कर दिया धोलेरा SIR में। जी हाँ, आपने सही सुना। अब हम बात करते हैं धोलेरा SIR, जहाँ आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क, सिंगापुर से यहाँ पर लिया गया है रोड की थीम।
जो बात करते हैं वेस्ट वाटर की बात करते हैं जो कि सिंगापुर कैलिफोर्निया हांगकांग से ली गई है। स्ट्रॉन्ग वाटर की बात करते हैं जो कि ब्रोसिन सोंगडो न्यूयॉर्क से लिया गया है। अर्बन प्लानिंग में होता है 50 मंजिला इमारत बनाने की परमिशन। जी हाँ, धोलेरा SIR में डे फर्स्ट से 50 मंजिल बनाने की परमिशन दी हुई है जो कि लंदन शिकागो से ली गई है। हम बात करते हैं ICT इन पावर की जो कि सिंगापुर लंदन कनाडा डेनमार्क से ली गई है। हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट। आज के दिनों में बड़ी बड़ी सिटियों के बाहर कूड़े के ढेर लग जाते हैं, लेकिन धोलेरा SIR में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 100% रिसाइकल होगी। स्ट्रॉन्ग वाटर की थीम ली गई है ब्रोसिल सोंगडो न्यूयॉर्क से। वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं धोलेरा SIR की एक्टिवेशन एरिया की आर्टिफिशियल रिवर किनारे। अभी हम सिल्क रूट पार्क पर हैं। अब हम आगे पहुँचते हैं मिनी टाइम पार्क पर। सिल्क रूट पार्क जो कि 6 किलोमीटर लंबी केनाल बनाई गई है धोलेरा एक्टिवेशन एरिया के अंदर। हम बात करते हैं नदियां भारत में सूख रही है, लेकिन हमारे धोलेरा SIR में नदियां बनाई जा रही है। जी हाँ, 6 किलोमीटर हैंडमेड ये नदी बनाई गई है जो धोलेरा एक्टिवेशन एरिया में है। काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ का, यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में साइकिल ट्रैक भी है। अब हम बात करते हैं मेनी टाइम पार्क की, जो काफ़ी आप वीडियो देखते रहते हैं धोलेरा के मेनी टाइम पार्क एंड ब्यूटीफुल व्यू है जो धोलेरा के मेनी टाइम पार्क का। यहाँ पर आप सोच सकते हैं आने वाले समय में हम यहाँ पर बैठे हुए हों और साथ में बारिश हो रही हो तो कैसा व्यू आएगा यहाँ का। जी हाँ, बहुत ही शानदार व्यू यहाँ का रहेगा जो धोलेरा एक्टिवेशन एरिया के अंदर अभी बनाई गई है। इसी पूरे धोलेरा के अंदर 9 रिवरें बनाई जाएगी आर्टिफिशियल। पूरे धोलेरा को 9 रिवरों से कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।